नमस्कार दोस्तों, खबर आसनसोल में स्वागत है आपका। और लॉकडाउन का आज चौथा दिन है, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग से एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकले। कृपया करके ज़रूरी सामान खाने पीने या सब्जी लेने के लिए बाहर निकले। कल्याणेश्वरी मंदिर जो शिल्पांचल का एक विशेष मंदिर माना जाता है, और आज लॉकडाउन का भी चौथा दिन है और नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन लोगों में एक अच्छी पहल देखनी गई है कि वो नवरात्रि से ज़्यादा लॉकडाउन के चौथे दिन का पालन करें, कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। और नवरात्रि के दिन ही वो जो पूजा का एक विशेष महत्व होता है 9 दिनों का, उसे विशेष महत्व देते हुए सभी अपने घरों में ही नवरात्रि का पालन कर रहे हैं। बनारस से कोलकाता जाना था। लॉकडाउन के दौरान वो किसी तरह बनारस से धनबाद आया। धनबाद से 2 दिनों तक पैदल चलकर वो बराकर पहुंचा। बराकर पुलिस चौकी की मदद से उसे आसनसोल लाया गया। पेश है ये रिपोर्ट। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बनारस से निकला था 4 दिन पहले, मतलब अच्छा। वहाँ से प्रेस का गाड़ी में मुगलसराय, फिर मुगलसराय से गया कोडरमा, फिर सिमड़ाताड़, गोमा होते हुए धनबाद होते हुए बाद में फिर यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पे भी एक दादा ने बताया कि यहाँ के मेयर साहब ने कुछ मतलब परमिशन कुछ किया साधन वगैरह, वो बाद में फिर मेरे को ला के यहाँ पे छोड़े। यहाँ से फिर अभी ये भाई साहब और साहब का दया से बड़ा होगा दया से, और ये थाना के प्रभारी पहाड़ी से फिर मेरे को वहाँ पर होटल में छोड़ने का, ये आसनसोल तक छोड़ने का ये भैया बंदोबस्त कर रहे हैं। फिर वहाँ से आगे फिर जैसे होकर जाना पड़ेगा। मम्मी का तबीयत अचानक खराब हो रहा था। 4 दिन पहले निकले थे आप? 4 दिन में हो गया मेरे को निकले। तो आप पैदल भी चले होंगे काफी? हाँ, पैदल भी चले, धनबाद से लेके मतलब समझिए ये बराकर तक तो मतलब पैदल ही आया। पैदल ही आया। कुल्टी के आलू विक्रेता ने सोशल डिस्टेंस के लिए दुकान के सामने बोर्ड लगाकर लोगों को किया जागरूक। बलतोड़िया वार्ड नंबर 66 में मिलनसार कमेटी की ओर से 50 जरूरतमंदों को चावल और आलू बांटा गया। अभी जो है ये हम लोग एक छोटा सा कोशिश किए हैं, मिलनसार कमेटी हम लोगों का एक है, जिसमें हमारे जो है नौजवान बलतोड़िया का ये कमेटी है, और हमारे नौजवान इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के इस काम को अंजाम दिया है। कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर भी इसका जो है पालन किया जा रहा है, और गरीब तबका जो है, जो मजदूर तबका है, जिसके यहाँ जो है खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, उसके लिए जो है हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है, और राशन के शक्ल में हमने 50 लोगों को चिन्हित किया है जो गरीब हैं, और उसको हम लोग ये राशन दे रहे हैं। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हम लोगों की इस कोशिश को कामयाब बना दे, और जो और लोग हैं इस तरह पे जो गरीब की मदद करना चाहते हैं वो आए हमारा साथ दें, भरपूर तआवुन करें, ताकि जो है हम इस काम को आने वाले दिन में भी अंजाम दे सके। राशन में आप लोग क्या क्या चीज़ दी है? राशन में हमने दिया है चावल और आलू। ये जो है अभी दाल का हम लोगों ने इंतजाम किया है, लेकिन वो कर नहीं सके जल्दी में, इंशाल्लाह वो भी हम लोग देंगे। आज लॉकडाउन का चौथा दिन है जी, अभी और बाकी 17 दिन है। हाँ, आगे के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? उसके लिए हम लोगों ने यही सोचा है कि इससे भी बढ़ करके हम इस काम को अंजाम देंगे, पूरा कोशिश किया जा रहा है। हमारे जो नौजवान का कमेटी लोग का जो मेम्बर है वो लोग सब एक्टिव है इसमें, और सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा काम हम अंजाम दे सके, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आकर के इसको ले सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल नदवी है, मैं इसी बलतोड़िया में रहता हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। बढ़ाकर कुल्टी में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। Thank you.
अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन चाइनीज में हर तरह के डिशेज का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली देन वेलकम टू द पेपरी। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी एट होम। दी पेपरी, ग्राउंड फ्लोर ऑफ सेंट्रल मॉल ऑपोजिट बिग बाजार आसनसोल। आपके जीवन के खास पलों को और भी खास बनाएं। SAR दी वेडिंग प्लानर। वेडिंग सेरेमनी हो या बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी हो या आपकी खुशी का कोई भी पल, इन पलों को खूबसूरत तरीके से सजाने की जिम्मेदारी हमारी। मेक योर मेमोरीज मेमोरेबल जस्ट लाइक सेलिब्रिटी स्टाइल। कॉन्टेक्ट SAR दी वेडिंग प्लानर। मोबाइल नंबर 9851030086, 9641790842, 8942-866-084 and 9333-131466. So, don't waste time. Hurry up. Book now. आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें। कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल जैसे शहर में एक खूबसूरत से आशियाने का ख्वाब कौन नहीं देखता। इस माइल में 7 डुप्लेक्सेस इमारत खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, जहां पार्किंग, कुआं, रिजर्वर की सहूलियत मौजूद है। तो आज ही बुकिंग कराएं। हमारा पता है इस्माइल, साउथ रेंज, सोष्टी नगर, नियर ASN प्ले स्कूल।